तो सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट सेशंस हुए हैं उसके मैप्स को देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे मुंबई, कैलकटा, मद्रास, ये सारी चीजें बार बार आएंगी मैप्स पर, तो उन्हें एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पर ये तीन इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, कैलकटा, नागपुर और उसके साथ साथ मद्रास सेशन। कैलकटा सेशन कहाँ पर, कौन सा था, जहां पर प्रपोज किया गया था आइडिया ऑफ द पूरा हमारा, हमने कहा था खिलाफत मूवमेंट को और उसके साथ साथ नॉन कॉपरेशन क्यों कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। इन दोनों को मिलाते हैं, मोहम्मद अली शौकत अली को लेकर जाते हैं कांग्रेस के सामने, प्रपोज करते हैं आइडिया ऑफ NCM ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये कहां पर हो रहा है, कैलकटा में, कैलकटा में सितंबर 1920 में ये सेशन हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र में नागपुर, नागपुर के फेमस ऑरेंजेस आते हैं, नागपुर ऑरेंजेस से याद रखते हैं सब लोग जनरली, तो नागपुर महाराष्ट्र में, यही कई लोग भूल जाते हैं, ये चीज मत भूलना, महाराष्ट्र में बढ़िया बढ़िया ऑरेंजेस आ रहे हैं हमारे पास, पूरी कंट्री के पास फैल रहे हैं। तो वहां पर हमारे यहाँ पर क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था हमारा, मतलब जो आइडिया यहाँ पे प्रपोज हुआ कैलकटा सेशन में नागपुर में, उसे मान लिया गया 1920 के दिसंबर में। हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर अप्रूव हो गया, लॉन्च हो गया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके बाद और नीचे आते हैं, जब पानी के बहुत पास आते जा रहे हैं, जब पानी सर से ऊपर जा चुका है, वो है मद्रास सेशन। कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में, मद्रास यहाँ ऊपर एकदम बॉर्डर के, यहाँ पर आप एक सर्कल लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, ये है हमारा मद्रास सेशन। ये कब हुआ, 1927 में। किसने बोला, जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला, हम लोग यहाँ से लॉन्च करने के लिए प्रपोज कर रहे हैं हमारे किसको, पूर्ण स्वराज को। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जगहें हैं, ये तीन इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, इसको एक बार अपने मैप पर लोकेट कर लीजिए। एक है इन वेस्ट बंगाल, एक है इन महाराष्ट्र और एक है इन तमिलनाडु। इस तरीके से ये तीनों इंपॉर्टेंट सेशंस का मैप है। इसके आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले है चंपारण बिहार का। तीन हम मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट हुए थे हमारे सत्याग्रह, चंपारण में हुआ था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुआ था, और उसके साथ तीसरा हुआ था अहमदाबाद में, किसके लिए हुआ था, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे चंपारण बिहार में जो हुआ है, यूपी बिहार नाम साथ में लिया जाएगा, यूपी दिल्ली के पास में रहेगा, उसके पास में आएगा बिहार, बिहार में कौन सा हमारा वो है, कौन सा, चंपारण बिहार में हुआ है, किसके लिए हुआ है, इंडिगो प्लांटर्स के लिए जो मूवमेंट हुआ है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है, 1916 में ये मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था, लेकिन गांधी जी ने 1917 में जाकर इसे बहुत अच्छे तरीके से मतलब सक्सेसफुल बनाया था, तो यहाँ पर इसीलिए चंपारण हम 1917 से याद रखते हैं हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से भी। इंडिगो प्लांटर्स के लिए हुआ, इंडिगो उगाने के लिए फोर्स किया जा रहा था यहाँ पर। अब इसको देखो, इसको काटोगे चार हिस्सों में तो सेंटर ही मतलब सेंटर में थोड़ा सा ऊपर अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर आ जाता है हमारा चंपारण बिहार। अब इसका ये जो है, ये एक ट्रिक होती है, क्या ट्रिक है कि आपको कभी भी किसी भी स्टेट पर कुछ भी लोकेट करना सीखना है, अगर आपको पता है कि यार मुझे पता नहीं, याद नहीं रहेगा कि कहाँ पर कौन सी जगह है, तो उस स्टेट को आप लोग लीजिए और उसको आप चार हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। जब आप उसको चार हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो फिर आपको याद रहेगा ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। तो यहाँ पर आप लोगों को लोकेट करना याद रहेगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इस हिस्से में है, यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रीजन में है, साउथ वेस्टर्न पार्ट में है या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। इस तरीके से कैसे लोकेट करना है ये आपके लिए थोड़ा बहुत आसान बन जाता है, प्रिसाइसली ऑब्वियसली पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए जितना प्रिसाइस हो सके उतना प्रिसाइस होंगे। तो यहाँ पर आपने जब इसको बांटा तो ये थोड़ा सा सेंटर से ऊपर डॉट में आएगा हमारा कौन सा, चंपारण बिहार, जहाँ पे पहला सत्याग्रह 1917 में हुआ फॉर इंडिगो प्लांटर्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं खेड़ा गुजरात में होता है हमारा दूसरा सत्याग्रह, ये किसके लिए हुआ, पेजेंट सत्याग्रह। अब इस टाइम पर एक एपिडेमिक आया था प्लेग का, प्लेग की वजह से यहाँ पे क्रॉप फेलियर हो जाता है और उसके साथ साथ क्रॉप फेलियर होने की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं बचते, बहुत ज्यादा फूड सप्लाई भी कम हो जाते हैं। इस सिचुएशन में इन लोगों से मांगे जा रहे हैं टैक्सेस। तो ये जो पूरा सत्याग्रह लड़ा गया था वो इस चीज के लिए लड़ा गया था कि आप टैक्सेस को एग्जेम्प्ट कर दीजिए इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर खेड़ा गुजरात में 1917 में किसके लिए, पेजेंट्स के लिए लड़ा था सत्याग्रह। अब इसको ना ऐसे समझो, गुजरात को अगर आप लोग जूम इन करके देखोगे तो यहाँ पे गुजरात की ना टेल नीचे जाती है, गुजरात की एक टेल नीचे जाती है, कई सारी चीजें हम लोग यहाँ पर नीचे इस टेल में मार्क करने वाले हैं, ठीक है। तो खेड़ा जो है यहाँ पर ये टेल स्टार्ट हो रही है वहां पर डॉट लगाकर और आप उसको खेड़ा बोल देंगे।
खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, किसके लिए? पेजेंट्स के लिए सत्याग्रह हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पे टैक्सेस मांगे जा रहे थे, टैक्सेस के लिए एग्जेम्प्ट कर दो, इस चीज के लिए यहाँ पर हमारा सत्याग्रह हुआ था 1917, कुछ अर्ली सत्याग्रह में से है। इसके बाद हमारे पास आता है अहमदाबाद गुजरात का, 1918 में होता है हमारा ये सत्याग्रह। किसके लिए होता है? कॉटन मिल वर्कर्स के लिए रखा गया है ये, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा वेजेस कम थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उस चीज के लिए गांधी जी ने यहाँ पर सत्याग्रह रखा। अब ये कहाँ पर है? ये जो टेल स्टार्ट हो रही है, टेल स्टार्ट होती है इस वाले साइड से, हमारे ईस्टर्न साइड से, और यहाँ वेस्टर्न साइड में आप डॉट लगाओगे, ये बन जाएगा हमारा अहमदाबाद। अहमदाबाद को इस तरीके से आपको लोकेट करना है, अहमदाबाद गुजरात 1918 कॉटन मिल वर्कर्स के लिए हमारा सत्याग्रह हो रहा है। इसके बाद आप लोग इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखोगे। अब ये कौन सा इवेंट है? 13 अप्रैल को होता है 1919 पर। कौन सा? 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियावाला बाग मसाकर। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ऐप से, नेशनलिज्म इन इंडिया के सारे वीडियोस ऐप पर अवेलेबल हैं फॉर फ्री, ऑब्वियसली फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज जाकर पढ़िए, बहुत मजे आएंगे इस इंसिडेंट को। पूरा हमने लाइन वाइज टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ा है, आपको पूरे इंसिडेंट समझ में आ जाएंगे, 6th को क्या हुआ, उसके बाद सब्सिक्वेंट डेज में क्या हुआ, और फाइनली 13 अप्रैल की कैसे जनरल डायर ने यहाँ पर लोगों को जलियावाला बाग में बंद किया और उनके ऊपर ओपन फायर किया। पतली सकड़ी सी एंट्रेंस को बंद करके ओपन फायर किया, और ये अमृतसर पंजाब में हुआ, और ये है हमारा जलियावाला बाग इंसिडेंट। जलियावाला बाग इंसिडेंट एक बहुत ही इनफेमस इंसिडेंट बोलते हैं हम इसको, ये एक बहुत ही दुखदाई मसाकर यानी बहुत सारे लोगों की जान चली गई इसमें, और ये है हमारा अमृतसर। एक बार मैप पर देख लेते हैं, अब हमको पता है ये पंजाब में है, ये याद रखना है पंजाब में है। ये भी याद रखिए थोड़ा सा बॉर्डर पर है, एक टाइम पर एक ही जब हम लोग हुआ करते थे तो बहुत दूर नहीं था, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में ही है। अमृतसर के बहुत पास में वाघा बॉर्डर है, जो कि पाकिस्तान पर लोकेटेड, पाकिस्तान और इंडिया का जो मतलब वो है बॉर्डर है। तो यहाँ पर ऐसे याद रखिए, अमृतसर कहाँ पे है? वाघा बॉर्डर है उसके पास में, तो वो बॉर्डर के ही पास में होगा, कहाँ पे? पंजाब में, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन खत्म करते हैं आज, पंजाब बिल्कुल यहाँ पर बॉर्डर के पास में हमारा अमृतसर है, यहाँ पे हुआ था जलियावाला बाग मसाकर, और ये 1919 में हुआ था 13 अप्रैल को। इसके आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे चौरी चौरा यूपी का जो इंसिडेंट है, जहां पर मैंने आपको कहा कॉल ऑफ कर दिया था मूवमेंट, क्योंकि गांधी जी ने देखा कि कैसे यहाँ पर लोगों ने एक पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया आफ्टर अ लॉट ऑफ फाइट विद द अथॉरिटीज। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कॉल ऑफ कर दिया गया था हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि गांधी जी बिलीव करते थे कि शायद लोग अभी तक रेडी नहीं है। तो कहां पर हुआ? बहुत ज्यादा मात्रा में लोग हैं यहाँ पे यूपी में, यूपी में बहुत ज्यादा लोग हैं। इसको फिर से डिवाइड करो इंटू 4, तो यहाँ पर देखो कि ये इस तरह जगह पर आ रहा है। अगर आप सेंटर से डिवाइड करते हो, चलते हो, तो यहाँ पर बीच में थोड़ा सा मतलब ईस्टर्न साइड में है ये, और उसके बाद एकदम उस लाइन पर ही आ जाएगा हमारा। और ये कौन सी जगह है? ये है हमारा चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, कहाँ पे? यूपी में, गोरखपुर में। और ये हमारा चौरी चौरा इंसिडेंट बन जाता है, ये हमारे मैप पर ऐसे लोकेट हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डांडी। डांडी हमें पता है, डांडी मार्च हुई थी, जहां पे सॉल्ट लॉ जो था उसके ऊपर जो टैक्स था, वो खुद पानी बॉइल करके उन्होंने बनाया सॉल्ट, तो सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था। उसके साथ में यहां से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सबसे बड़ा मूवमेंट है हमारा, उसको स्टार्ट किया यहाँ पर। अब ये कहाँ से स्टार्ट होता है? इनकी जो मार्च है स्टार्ट हुई थी साबरमती आश्रम से, और हम लोग देखते हैं 12th मार्च से लेके 6th अप्रैल तक इन्होंने यहाँ पे 24 दिन के लिए वॉक किया था, और ये है डांडी गुजरात में जाके फाइनली पहुंचते हैं। अब इतना सा बस याद रखो कि अगर ये लोग सॉल्ट लॉ ब्रेक कर रहे हैं, तो इनको नेचुरली वहां पे सॉल्ट के लिए सी भी चाहिए, और सी कहाँ पे होगा? गुजरात के पानी वाले रीजन के पास में। तो ये जो नीचे मैंने कहा टेल आ जाती है, इसमें टेल में थोड़ा और पास में आ जाइए, बिल्कुल थोड़ा डाउन टुवर्ड्स साउथ चलिए, और इसमें आप इसको बॉर्डर पर जहां पर पानी है, क्योंकि पानी तो चाहिए सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए, तो वहां पर आकर आप इसको मार्क कर दीजिए। ये यहां पर बन जाता है हमारा डांडी गुजरात। यहाँ पे कौन सा मूवमेंट स्टार्ट होता है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है, सॉल्ट लॉ ब्रेक होता है आफ्टर अ मार्च, और ये कहां पर? 6th अप्रैल को 1930 को हम लोग यहाँ पर डांडी में मार्च करके खत्म करते हैं।